Sutra number 1.5. Vṛttayaḥ, pañcatayyaḥ, kliṣṭa, akliṣṭāśca. पूरे दिन में हमारा माइंड जो है वो हज़ारों बार मॉडिफाई होता है, मतलब उसमें वृत्ति होती है. वृत्ति मतलब हमारा माइंड बाहर जाता है और उस ऑब्जेक्ट की जैसा वो हो जाता है. उसी से हमें उस ऑब्जेक्ट का नॉलेज मिलता है. अगर वृत्ति नहीं हुई, अगर हमारा चित्त इधर उधर भटका हुआ है तो वृत्ति नहीं होगी. तो चित्त वृत्ति मतलब हमारा माइंड बाहर जाता है और उस ऑब्जेक्ट को ऐसा एनगल्फ कर देता है और फिर वो नॉलेज हमें मिलता है. तो हम अगर सोचें तो हज़ारों ऐसे विचार, हज़ारों ऐसे वृत्ति जो है हमारे मन में पूरे दिन में होती रहती है. लेकिन पतंजलि का देखिए स्पेशलिटी क्या है कि उन्होंने ये सारी वृत्ति जो है, उन्होंने कहा है ये 5 टाइप्स के हैं. तो ये 5 टाइप्स, ये सारे हज़ारों वृत्तियों को अगर हम 5 टाइप्स में डालेंगे तो वो कहते हैं कि ये है पंचवृत्तयः, वृत्तयः, पंचतयः, क्लिष्टा, अक्लिष्टा है. और ये वृत्ति कैसे है, ये क्लिष्ट मतलब पेनफुल है या अक्लिष्ट नॉन पेनफुल है. तो ये जो वृत्ति हमारा माइंड जो लेता है वो या तो पेनफुल रहता है या तो नॉन पेनफुल रहता है, ऐसे पतंजलि कहते हैं. तो वृत्तयः, पंचतयः, क्लिष्टा, अक्लिष्टा. पतंजलि ने सारे वृत्तियों को जो है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है और कहा है कि ये या तो दुखदायक है या ये दुखदायक नहीं है. इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर है कि उन्होंने सुखदायक नहीं बोला है, या तो ये दुखदायक नहीं है या ये दुखदायक है, ऐसे बोला है. तो वृत्तयः, पंचतयः, क्लिष्टा, अक्लिष्टाः, ये कौन सी 5 है ये हम कल के सूत्र में देखेंगे.